फिर और 30 एमएलए आने के लिए हम तैयारी में नहीं है. हमने अपना तरफ से कोशिश कहीं पर कामयाब करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन उसी कामयाब का सफलतापूर्ण से हम कायम नहीं कर पाया. इसलिए अभी हम घर की ओर, बस्ती की ओर, तालुका की ओर वापस जाना तय कर चुका है. और उसमें जैसे आज लेकांग और महादेवपुर से इम्पोर्टेंट पंचायत लीडर्स लोग आए हैं, नामसाई डिस्ट्रिक्ट को भी आप जगाना पड़ेगा. वहाँ हजार और हजार करोड़ का पैसा डाल रहा है, आम आदमी को मिला कि नहीं. बिना धर से, धर जो है सबको भिक्खू बनाते हैं, धर जो है सबको बुद्धू बनाते हैं. तो इसलिए हम धर के बाहर से हम निकलना पड़ेगा. सब अरुणाचली धर के बाहर से पूरा निकलना पड़ेगा. और ये जो इलीगल और जो सरकार फिलोसॉफी नहीं है, सरकार जो मुद्दा नहीं, हमारे कांग्रेस सरकार जो मेडिकल इंश्योरेंस किया था उसको दूसरा नाम पेंट करके चला रहा, ये सरकार को हम असेंबली में नहीं गिरा के हम बस्ती में बैलेट बॉक्स में ही हम गिराना पड़ेगा, हराना पड़ेगा. और इनको बीजेपी अभी जितने लोग हैं उसको छुट्टी देना और कांग्रेस. सो इसलिए आज एक दो दिन पासीघाट में बीजेपी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा है, कुछ समय पहले जीरो में रहा और आज एक दो दिन के लिए पासीघाट में कर रहे हैं. ये लोग पब्लिक को, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब रैली करता है, मीटिंग करता है, आम आदमी जरूर पूछेगा पैकेज कहाँ है, 15 लाख कहाँ है, तेल दाम को कब कम करेगा, और 2 करोड़ जब कहा साल साल में निकलना चाहिए तो वो कहाँ है, वेजिटेबल का प्राइस कितना में राइज हो गया, गैस का प्राइस यूपीए में 450 430 था, 48 था, आज 950 क्यों हो गए, ब्लैक में और ज्यादा 1200-1300 रुपया क्यों हो रहा. तो इसलिए ये सवाल पूछेगा, कोई पत्थर फेंकेगा, कोई टूक फेंकेगा, कोई जूता फेंकेगा, इसी दर के साथ इन्हों रैली नहीं करेगा. जो जीरो में एग्जीक्यूटिव मीटिंग, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग गया था, वो लोग फिर मैच फिक्सिंग करके पासीघाट में आज कल हो रहा. लेकिन हमने शुरू कर दिया कि हम आम आदमी की ओर हम और वापस चलेंगे और रिन्यू करेंगे. हमारा जो कम्युनिकेशन गैप बीजेपी ने क्रिएट कर दिया था उसको रिन्यू करने के लिए हम फिर आंदोलन शुरू किया है. कुछ समय बाद हम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट और तिरप डिस्ट्रिक्ट की ओर हम चलेंगे धीरे 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 धीरे. उसका बाद हम तवांग और बोमडिला की ओर चलेंगे. हमारा धीरे धीरे जो एजेंडा आइटम्स है, प्रोग्राम है, हम जारी रखेंगे.